वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने नाम के डीजे रिमिक्स कैसे बना सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप किसी के दोस्त के शादी में जाते ही होंगे या पार्टी में जाते ही होंगे तो आप सुनते ही होंगे बीच बीच में जो इफेक्ट लगा रहा था अपने नाम से डीजे रिमिक्स, वो कैसे बनाते। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने नाम से डीजे रिमिक्स कैसे बना सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर के ऑप्शन में सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कोई भी न्यू वीडियो में डालूंगा दोस्तों तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो पहला एप्लीकेशन है वॉइस चेंजर। दोस्तों वॉइस चेंजर यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वॉइस चेंजर 3 नंबर का दिख रहा ऑप्शन वॉइस चेंजर विथ इफेक्ट, इसको आपको अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। दोस्तों देखिए इसे 50 मिलियन लोग डाउनलोड किए हैं, 4.2 का रैंकिंग है दोस्तों। तो इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों। मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपको दूसरा एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों डीजिंग मैक्स डीजे म्यूजिक मिक्सर, इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, इसका नाम पढ़ लीजिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से आप नाम पढ़ लीजिए डीजिंग मिक्स डीजे म्यूजिक मिक्सर, इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों सबसे पहले वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड किए थे वॉइस चेंजर विथ इफेक्ट, इसे ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट वॉइस फॉर टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो नाम से आप बनाना चाहते हैं सो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं अपना नाम से बनाना चाहता हूँ, आप अपने नाम से बना लीजिएगा। यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद डीजे और जो जहाँ आप रहते हो वहाँ का नाम भी दे सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ ही मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल नंबर आपका जो मोबाइल नंबर दोस्त जो दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ आपको डन का ऑप्शन दिख रहा है, डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ओके का ऑप्शन दिख रहा है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कौन सा वॉइस में रखना चाहते हैं वो वॉइस में रख सकते हैं। दोस्तों मैं ये वॉइस में रखना चाहता हूँ, यहाँ आपको बहुत सारे वॉइस मिल जाएंगे दोस्तों, आपको जो वॉइस में रखना है रख सकते हैं। तो मैं ये वॉइस में रखना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर फिर दिख रहा है 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ सेव रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेव रिकॉर्डिंग पे आना है। सेव रिकॉर्डिंग पे आने के बाद यहाँ से आप यहाँ फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए जो तुरंत ही मिल जाए और डन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ओके कर देने के बाद आपको बैक आना है दोस्तों। और बैक आने के बाद जो वो दूसरे नंबर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड किए थे तो उसे ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे दोस्तों, दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सभी सॉन्ग मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ मैं अपने एल्बम में से सॉन्ग ले लेता हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों इसमें से एक सॉन्ग ले लेता हूँ दोस्तों, कोई सा भी, यहाँ ये सॉन्ग मैं ले लेता हूँ दोस्तों। आप जो सॉन्ग लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। और दोस्तों जो इफेक्ट आप वहाँ से किए थे वॉइस चेंजर से, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप जो वॉइस वहाँ से रिकॉर्डिंग किए थे वो और वॉइस यहाँ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ से फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है वॉइस चेंजर, आपको यहाँ पे
यहाँ देख रहे हैं दोस्तों भुआज चंद्र, इसमें से जो इफेक्ट लिए थे वो इफेक्ट यहाँ पे ले लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और रिकॉर्डिंग चालू हो गया दोस्तों, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। और दोस्तों जहाँ जहाँ पर इफेक्ट डालना है, जहाँ जहाँ पर इफेक्ट डालना है वहाँ पर आसानी से डाल दीजिए दोस्तों, फिर इसे ओपन कर लीजिए। और यहाँ आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके ओपन करते रहना है दोस्तों। तो फिर से यहाँ हम चालू करते हैं दोस्तों, दोस्तों इसी तरह से आप अपने नाम से डीजे रिमिक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करके दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सेव कर लेना है अपने गैलरी में, जो नाम से सेव करना चाहते हैं वह नाम से सेव कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ आपको देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे शेयर लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, शेयर लिंक कर सकते हैं, नहीं तो शेयर MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके आपको जिसे भेजना है भेज सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट दोस्तों फाइल मैनेजर में आपका डाउनलोड हो गया रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसे सेव कैसे करना है यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है सिर्फ दोस्तों, और यहाँ से आपको गैलरी में सेव कर लेना है दोस्तों, और यहाँ से आपको सेव कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएंगे, सेव कर लीजिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।